अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16, ये आपकी बुक का लास्ट वाला चैप्टर है। इस चैप्टर को एग्जामिनेशन पॉइंट वे से देखा जाए तो बच्चा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। अगर प्रीवियस ईयर देखे जाए तो इस चैप्टर में से अमूमन की बात कर रहा हूँ, चार शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं ना, ए पार्ट और बी पार्ट, वो एक पार्ट आ रहा होता है, और एमसीक्यू अमूमन इस चैप्टर में से दो बन रहे होते हैं। मतलब अगर हम इस चैप्टर को ओवरऑल देखें तो कितने नंबर का पेपर आ रहा होता है, 8, 4, 12, 12 और 2, 14 नंबर का पेपर आ रहा होता है इस चैप्टर में से, और ओवरऑल बंदे को पास होने के लिए नंबर चाहिए 18 या 20 चाहिए। तो मतलब 14 नंबर सिर्फ एक चैप्टर में से है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, आसान तरीन चैप्टर है। मैं कहता हूँ इस चैप्टर में टोटल शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो टोटल 20 बनते हैं, 20 या 22 होंगे, इससे ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर के अंदर, जो पास पेपर बार हर दफा रिपीट हो चुके हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। देखो ऊपर मेन हेडिंग मैंने दे रखी है, वो क्या है, केमिकल इंडस्ट्रीज इंट्रोडक्शन। बच्चे अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो चंद एक सिंपल बातें याद रखिएगा। बच्चे केमिकल इंडस्ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इस चैप्टर में पढ़ने क्यों लगे हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हमने जो केमिकल इंडस्ट्रीज पढ़नी है ना वो ये वाली है चंद एक। बच्चे सबसे पहले एक इंडस्ट्री है मेटलर्जी, ये बेशक याद ना कीजिएगा, इसको समझ लो। सेकंड नंबर पे जो हमने इंडस्ट्री पढ़नी है बच्चे वो है यूरिया फॉर्मेशन कि यूरिया किस तरह बन रही होती है। थर्ड नंबर पे हमने एक इंडस्ट्री पढ़नी है जिसको कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार कर रहा होता है, और वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है वो ये भी देख लेंगे। भाई सॉल्वे प्रोसेस के बाद हमने पढ़नी है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ले जी ये चंद एक चीज़ें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। मुझे मेटलर्जी क्या होती है, मेटलर्जी हम ज़मीन से किस तरह मेटल को निकालते और अपने यूज़ में लेकर आते। देखो तांबा है, तारों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, लोहा है, आपकी ज़िंदगी में मैक्सिमम चीज़ें लोहे से बनी हुई हैं, आपके जितनी भी ट्रांसपोर्ट की बॉडी है वो लोहे से बनती है, से आपके ज़िंदगी में ये विंडोज़ से, इसके अलावा घरों के अंदर मुख्तलिफ अशिया अमूमन लोहे से बनाई जाती हैं। ये लोहा ज़मीन से किस तरह निकालते हैं, इसको किस तरह साफ़ करते हैं और इसको किस तरह हम यूज़ में लेके आते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आएगी मेटलर्जी में। सही बता, बेसिकली अगर मैं मेटलर्जी की बात करूँ, ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये क्या हमारे पास, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम अर्थ, या फिर हम इसकी जगह एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है मिनरल। ये ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, मिनरल। आपकी ज़मीन के अंदर जो मिनरल पाए जाते हैं वहाँ से हम मेटल्स को किस तरह अलहदा कर रहे हैं। देखो ये याद रखिएगा, ये जिस तरह ये अगर बिल्डिंग बनी हुई है इसमें सरिया डाला हुआ है, अब खुद सोचें ये सरिया किस तरह पाया जाता था, क्या ये ज़मीन में सरिया के फॉर्म में पाया जाता था, नहीं। ये ज़मीन में जैसे छोटे छोटे ज़रात नहीं होते जैसे मट्टी के ज़रात होते हैं, सेम इसी तरह पाया जाता है। अब उसको ज़मीन से निकाला किस तरह है, ये सारे के सारे हम बात कर रहे होते हैं मेटलर्जी में। इसी तरह आपने ये सुना होगा कि सऊदी अरब में सोने का पहाड़ है, और सोने का पहाड़ का मतलब क्या, वो सारे का सारा पहाड़ सोने का बना हुआ है, नहीं। सही है, वो पहाड़ ऐसे हैं जिनमें काफ़ी मकदार में सोना पाया जाता है। मतलब अगर आप एक टन मिट्टी में से सोना निकालने की कोशिश करो तकरीबन कोई आधा किलोग्राम या 200 ग्राम या 100 ग्राम सोना निकल आएगा, लेकिन हमारे यहाँ पर इतनी मकदार में नहीं होता। सही, अब वो सोने को वहाँ से निकालते कैसे, वो सारे का सारा मेटलर्जी आएगा। भैया बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है बच्चे वो है कॉपर एक्सट्रैक्शन। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चे ये याद नहीं करने आपने, ये सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। कॉपर एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे, किसकी बात करें, कॉपर एक्सट्रैक्शन, यूरिया फॉर्मेशन। बच्चे यहाँ पे यूरिया खाद को तैयार किया जाता है, यूरिया खाद का फार्मूला था NH2CO NH2, ये आप पहले पढ़ चुके हो CO NH2। भैया यूरिया खाद की इम्पोर्टेंस क्या है,
बट ये नेसेसरी होते हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। पौधों की मुनासिब ग्रोथ के लिए इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ये ज़रूरी होते हैं। भाई नेक्स्ट हमारे पास सॉल्वे प्रोसेस। भाई सॉल्वे प्रोसेस हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं प्रिपेयर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट या Na2CO3। और Na2 बेसिकली CO3 तैयार होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको गर्म करते हैं सोडियम कार्बोनेट तैयार हो जाता है। भाई ये सोडियम कार्बोनेट है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? सोडियम कार्बोनेट शायद आपने पढ़ा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा फॉर लाइन टू CO3.10H2 होता है, यही चीज़ होती है, सही है बच्चे? इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रीपरेशन ऑफ डिटर्जेंट्स जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, डिटर्जेंट्स, सोप, इन चीज़ों की तैयारी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब अभी तक जो भी हमने बातें पढ़ी हैं ये हमारी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। लास्ट वाली चीज़ है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। बच्चे पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात की जाए तो आपके ट्रांसपोर्ट में जितना भी फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है वो ये वाली इंडस्ट्री पैदा कर रही है। मसलन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये क्रूड ऑयल लेते हैं, क्रूड ऑयल कौन सी चीज़ होती है? क्रूड ऑयल, भैया क्रूड ऑयल वो ऑयल होता है जो ज़मीन से निकालते हैं, ज़मीन से, ये जिस तरह गारा टाइप होता है, ये बेसिकली ये जैसा काला तेल नहीं होता, ये क्रूड ऑयल जो ज़मीन से तेल निकल रहा होता है वो बेसिकली इस फॉर्म में होता है, उसको कहते हैं क्रूड ऑयल। भैया क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब उसके अंदर जो जो चीज़ें मौजूद हैं उन सब चीज़ों को क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद हमारे पास ये वाली चीज़ें बन रही होती है, पेट्रोल बन रहा होता है, कैरोसिन ऑयल बन रहा होता है, मिट्टी का तेल जिसको कहते हैं कैरोसिन ऑयल, इसके बाद मुबलैल बन रहा होता है जिसको आप गाड़ियों में एज अ लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं, सही है। CNG भी बन रही होती है, नेचुरल गैस। इसके साथ साथ हमारे पास लुब्रिकेंट जिस तरह के हमारे पास ग्रीसेस वगैरह भी बन रही होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से बन रही होती हैं? क्रूड ऑयल से। बच्चे इनमें ये वाले जो खुसूसन पेट्रोल और डीजल, यहाँ पे एक और लिख लो डीजल भी, ये वाली दो चीज़ें अमूमन इस्तेमाल की जाती है एज अ फ्यूल। ये वाली चीज़ और ग्रीस, ये दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है एज अ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट सतह को चिपकाने के लिए कि फ्रिक्शन ना हो, इसको लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। कहते जब बरसगीर में से पाकिस्तान बना उस वक्त बरसगीर में टोटल 931 इंडस्ट्रीज थी, 931 इंडस्ट्रीज। तो जब तकसीम हुआ पाकिस्तान, इन 931 इंडस्ट्रीज में से पाकिस्तान के हिस्से में से 34 इंडस्ट्रीज आई, कितनी आई? बाकी सारी की सारी पाकिस्तान और इंडिया में, पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 34 आई और बाकी कितनी बच गई? 897 ये इंडिया के हिस्से में। तो भाई ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सही है, मैं पहले बता दिया है, सो इसको समझ लीजिएगा, ये आगे जाके जब पढ़ोगे ना ये चीज़ें वैसे ही आपको याद हो जानी है, सही है। तो अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़, 931 921 है, ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, जब 921 है तो यहाँ पे 987 आ जाएगी, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी सही है। अच्छा अब ये था जी इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन, इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है। भैया इसको ज़्यादा दिन लगते हैं, इसको ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ कोई 4 दिन इस टॉपिक को लगेंगे, 1 दिन इस टॉपिक को लगेगा, 2 दिन मैक्सिमम इसको लगेंगे, 3 दिन मैं लगा लेता हूँ, शायद 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 दिन इस टॉपिक को लगेगा। टोटल कितने दिन लग गए? 4, 5, 5, 6, 7, 7 और 3, 10 दिन। मतलब ये 10 दिन के अंदर ये चैप्टर मुकम्मल हो जाता है, सही है।
तो 10 दिन में शायद 2 दिन और डाल लो, 12 दिन के अंदर ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो सकता है। 12 लेक्चर्स प्रॉपर लेक्चर जिसको कहते हैं आधा आधा घंटे या 35-35 मिनट का कम से कम पढ़ाया जाए, ये लेक्चर्स आपका टॉपिक आसानी से मुकम्मल हो सकते हैं। सही है, तो स्टार्ट करते हैं आज पहले टॉपिक को, मेटलर्जी। भाई मेटलर्जी में सम बेसिक डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशन से समझिएगा। पहले टॉपिक को हम स्टार्ट करने लगे हैं, मेटलर्जी बेसिक डेफिनेशंस। भाई बेसिक डेफिनेशन बात की जाए तो सबसे पहली डेफिनेशन है मिनरल की। भाई मिनरल्स को उर्दू में कहते हैं मादनियात। क्या कहते हैं? मादनियात। अगर मैं मिनरल की डेफिनेशन की बात करूं तो बच्चे मिनरल की डेफिनेशन बिल्कुल आसान सी है। कहते हैं मिनरल एक ऐसी चीज़ हैं जो ज़मीन की सतह के नीचे पाई जाती हैं कुदरती तौर पे, और इनके अंदर मेटल्स वगैरह होती हैं। तो ये मेटल्स के कंपाउंड होंगे और इसके साथ साथ अर्थली इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। तो डेफिनेशन अगर देखी जाए तो कहते हैं मिनरल्स आर नेचुरल मटीरियल। ये कुदरती मटेरियल है, कुदरती मवाद है, नेचुरल मटेरियल फाउंड, जो कि मिल रहा होता है, फाउंड बीनीथ, बीनीथ का मतलब है नीचे, बीनीथ द अर्थ सरफेस, जमीन की सतह के नीचे मिल रहा होता है, हैविंग, जो रखता है कंपाउंड्स ऑफ मेटल, मेटल्स के कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स अलोंग विद, और इसके साथ साथ होती हैं अलोंग विद अर्थली इम्प्योरिटीज। इसको हम नाम दे रहे होते हैं मिनरल का। और आपने मिनरल बहुत सारे पढ़े भी होंगे, जैसे कॉपर जमीन के नीचे मिनरल के फॉर्म में पाया जाता है, सही है, NaCl। अब इसके बाद ना मिनरल, चलो पहले समझ लो बच्चे मिनरल ना बेसिकली जमीन से, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी, जो हम कहते हैं कि सऊदी अरब के अंदर सोने के पहाड़ हैं। सोने के पहाड़ का मतलब क्या है? उसके अंदर थोड़ा बहुत मिकदार में सोना मौजूद है, सही है। अगर मैं उस वहाँ से बाहर से थोड़ी बहुत मिट्टी ले लूँ, अब आपको पता है इसमें थोड़ी बहुत मिकदार में सोना मौजूद है, इसमें दो चीज़ें होंगी। अब इस चीज़ को आप मिनरल का नाम दोगे, क्या नाम दोगे? मिनरल का नाम दोगे, ऐसा ही है। अब इस चीज़ को अगर मैं अलहदा करूँ तो यहाँ पे दो चीज़ें मौजूद हैं। पहले नंबर में सोना, यानी मेटल्स, कंपाउंड्स ऑफ मेटल हो गए, सोने वगैरह ये जो भी चीज़ मौजूद है इसके अंदर, उसके कंपाउंड्स मौजूद हैं, कंपाउंड्स ऑफ मेटल। मैं यहाँ पे सोने की बात कर रहा हूँ तो मेटल यहाँ पे क्या आ जाएगी? गोल्ड, मेटल्स। और इसके अलावा अर्थली इम्प्योरिटीज होंगी। अब अर्थली इम्प्योरिटीज में कौन कौन सी चीज़ें आ रही होती हैं, ज़रा समझिएगा बच्चे। अर्थली इम्प्योरिटीज में सैंड आ सकती है, मतलब ज़मीन की मिट्टी आ सकती है, इसके अलावा साल्ट आ सकते हैं इसके अंदर, इसके अलावा इसमें वाटर आ सकता है, सही है, और ETC आगे लगा देता हूँ भैया। जो अर्थली इम्प्योरिटीज होती है ना, देखो मिनरल के अंदर ये दो चीज़ें होंगी कट्ठी पाई जाएंगी, उस मेटल के कंपाउंड्स, अगर लोहा है तो लोहे कंपाउंड साथ मट्टी छट्टी पाई जाएगी, उसको कलेक्टिवली आप मिनरल का नाम दोगे, क्या नाम दोगे? मिनरल का। और साथ में क्या होती है? अर्थली इम्प्योरिटीज। अच्छा, अब ये जो मेटल के कंपाउंड होते हैं ना, इसको एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं आगे जाके, इसको कहते हैं जी और, क्या नाम देते हैं? और ये जो अर्थली इम्प्योरिटीज होती है ना, अर्थली इम्प्योरिटीज, इनको हम स्पेसिफिकली एक नाम दे देते हैं, गैंग का। मतलब मिनरल के अंदर जो मेटल मौजूद है उसको और कहोगे, और मेटल के अलावा जो भी चीज उसके अंदर मौजूद है उसको गैंग कहोगे, उसको क्या कहोगे? गैंग। सही बच्चे, ये बेसिकली तीन डेफिनेशंस इस्तेमाल की जाती हैं आपके मेटलर्जिकल ऑपरेशन के अंदर। मिनरल क्या है, गैंग क्या है, और क्या है? मिनरल क्या होता है? जो जमीन से हमने मिट्टी ली, उसके अंदर मिट्टी भी होगी, मेटल
भी मौजूद होगी, अगर लोहा निकालना चाहते हो सपोज करता हूँ, तो अब उसमें मिट्टी के अंदर लोहा होगा और मिट्टी होगी और भी चीज़ें होंगी, तो आप इनको कलेक्टिवली आप क्या कहोगे, मिनरल। अगर मैं उसमें सिर्फ मेटल को निकाल, मैं सपोज किया उसमें लोहे को निकाल लिए बाहर, तो आप बचपन में करते होंगे वो मखना देश लेके मिट्टी के ऊपर फेरते होंगे, सही है, वो लोहा इसके साथ मखना देश के साथ चिमट जाता है, सेम वो हमारे पास जो लोहा चिमट रहा है उसको और कहते हैं, जो पीछे मिट्टी रह जाती है उसको गैंग कहते हैं, उनको कलेक्टिवली हम क्या नाम दे रहे होते हैं, मिनरल का, सही है। तीन डेफिनेशन को खूबसूरत समझिएगा। अब नेक्स्ट हम डेफिनेशन करेंगे और की, किसकी, और भाई यहां पे डेफिनेशन करेंगे और की एग्जांपल देंगे। द कंपाउंड्स ऑफ मेटल, द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, देखो ये मेटल्स के कंपाउंड्स हैं जो क्या हम निकाल रहे होते हैं कहां से, विच आर एक्सट्रैक्टेड, विच आर एक्सट्रैक्टेड, जिसको हम निकाल, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, अलहदा करना, विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल ऑन कमर्शियल स्केल, तजारती पैमाने पर, मतलब आप उसको निकाल के बेचो भी, कमर्शियल स्केल विद लो कॉस्ट एंड मिनिमम एफर्ट, विद लो कॉस्ट, वहां पर खर्चा कम हो एंड मिनिमम एफर्ट, और वहां पे आपको काम भी कम करना पड़े, मिनिमम एफर्ट, एफर्ट यही स्पेलिंग एफर्ट के, वर्ड है ना, एफर्ट इज कॉल्ड और। और ये याद रखिएगा, मोस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गया पास्ट पेपर बहुत दफा आया हुआ है, एक और वाला हो गया शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफा आया हुआ है पास्ट पेपर में। अच्छा यहां मैंने कुछ वर्ड लिखे, कमर्शियल स्केल, लो कॉस्ट, मिनिमम एफर्ट, तो ठीक है और का तो पता चल गया जी, हम मिनरल में से जो मेटल के कंपाउंड निकालते हैं उसको और कहते हैं। अब ये जो वर्ड लिखे हैं इनको समझिएगा भैया, कमर्शियल स्केल का मतलब ये है कि आप अगर उस इसको निकाल दो तो उसको मार्केट में सेल भी करो, ऐसा नहीं है अब मखना जैसे निकाल के घर से उसको निकाल कर ये और आ गई है, नहीं आप उसको बड़े पैमाने पर करो, निकालने के बाद मेटल को उसके बाद मार्केट में सेल करो, हमारा मेन मकसद यही होता है ना, क्योंकि मेटलर्जी है और ये इंडस्ट्री की बात कर रहा है, घर की थोड़ी बात कर रहा है, सही है। तो ये बात याद रखिएगा बच्चे, यहाँ पे दो अल्फाज को समझिएगा, इधर देखो भैया, आप जब भी ज़मीन से अगर सपोज करो मैं लोहा निकालना है, लोहा निकालने से पहले पहले वहाँ से एक रेत का सैंपल लेते हैं और पूरी की पूरी एस्टिमेशन लगाते हैं, मतलब आप देखो लोहा निकालना है कौन सा, एक दिन में, दो दिन में, या एक बंदे दो बंदे से हो जाएगा काम, वहाँ पर आपको मजदूर लगाने पड़ेंगे, खुदाई करनी पड़ेगी, वहाँ पर क्रेन वगैरह लगानी पड़ेगी, सही है, मशीनरी, हैवी मशीनरी लगानी पड़ेगी, ऐसा है ना, फ्यूल का खर्चा होगा, बंदों को मजदूरी देनी पड़ेगी, ये सारे खर्चा होंगे। अब वो पता क्या करते हैं, ज़मीन को चेक करते हैं कितनी मिकदार में मेरे पास यहाँ से मेटल निकलेगी और कितने हमारे पास इसकी प्राइस बनेगी, और फिर चेक करते हैं कि हमारी कितनी यहाँ पर कॉस्ट लगेगी, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं। अगर तो फ़ायदा होता है वहाँ से तो खुदाई स्टार्ट करेंगे, वरना खुदाई स्टार्ट नहीं करते, बेशक मौजूद हो मैटर, क्या देखो जो भी बंदा काम करेगा उसको कम से कम प्रॉफिट तो बीच में चाहिए, जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा वो काम क्यों करेगा, सही है। इसलिए वो कह रहा है कि हमारे पास ये काम मिनिमम एफर्ट में हो, लो कॉस्ट में हो, आपको वहाँ पर खर्चा काम करना पड़े लेकिन वहाँ से आउटकम ज़्यादा है आपके पास, तो फिर जो चीज़ या कंपाउंड वहाँ से हासिल करेंगे उसको क्या कहेंगे, समझ आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ, चलो गुड हो गया। अच्छा आप ना यहाँ पे कुछ बातें मेरी याद रखना, एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल की बात करता हूँ मुझे दो एग्जांपल ये एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है, कॉपर ग्लैंस और चालको पाराइट, दोनों का नाम और फार्मूला
चालको पाइराइट कॉपर ग्लैंड्स। बच्चे ये दो किसकी एग्जांपल है, और की, किसकी एग्जांपल है हमारे पास है? और की। बच्चे अगर मैं चालको पाइराइट की एग्जांपल की बात करूं, इसका फॉर्म है CuFeS2, CuFeS2, और इसका फॉर्म है Cu2S, Cu2S। ये फार्मूला और नाम खुसूसन याद रखने हैं आप, तो ये पास पेपर में इसके साथ बेशक लिख लीजिएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट MCQ है, पास में बड़ी दफा MCQ आ चुका है। सर चालको पाइराइट का फार्मूला पूछ लेता है, कॉपर ग्लैंस का फार्मूला पूछ लेता है, और लास्ट में हम एक बात करेंगे बच्चे, वो है गैंग। गैंग की डेफिनेशन सबसे सिंपल है, क्या? अर्थली इंप्योरिटीज आर नोन एज गैंग, अर्थली इंप्योरिटीज आर नोन एज गैंग। गैंग रख सकता है सैंड, साल्ट, वाटर, ETC। ये डेफिनेशन मुझे नहीं पूछता, क्योंकि ये आसान से अर्थली इंप्योरिटीज खत्म। जमीन की इंप्योरिटीज को गैंग कहते हैं, क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। सही है। तो बच्चा ये था जी हमारे पास चैप्टर नंबर 16 इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट। ये इंट्रोडक्शन जो है ना, ये आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये सवाल आ जाए व्हाई इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट, यानी बेसिकली इंडस्ट्रीज एफ्लुएंट में भी लिखा था बच्चा, इंडस्ट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये देखो आपकी जितनी भी मेटल वगैरह एक्सट्रैक्ट हो रही हैं वो हमारे मेटलर्जी के अंदर हो रही हैं। यूरिया खाद आपको पता है पौधे की ग्रोथ के लिए जरूरी है, इसलिए हमारे पास यूरिया इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सोलर प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट की तैयारी कर रहे हैं, और सोडियम कार्बोनेट डिटर्जेंट में इस्तेमाल हो, डिटर्जेंट हमारी जिंदगी में वैसे ही इस्तेमाल हो रहा है। सही है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हमारे पास बन रहा है पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ये वो चीज़ें। अब ये वाली चीज़ ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है, इसलिए इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है। इसे क्या हमारे पास इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट। तो बच्चे यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।